प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लासिक और सेवंथ की हिंदी की वर्कशीट सेवन। बच्चों आपके मैथ और इंग्लिश पर भी बच्चों वीडियोस बन चुके हैं जो आपको वर्कबुक मिली हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहे, आपको तुरंत मिलते रहे। तो बच्चों चलिए आज हम सीखेंगे समानार्थी शब्द, यानी आप इसे पर्यायवाची भी कह सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, समानार्थी सेम नाम वाले ढूंढने हैं। जैसे बारिश, बारिश को और किस नाम से जाना जाता है, जल के, और वर्षा के नाम से जाना जाता है। पानी, पानी बच्चों जल को कहते हैं, तो आपको जल से मिलान करना है। और बच्चों नेक्स्ट है बादल, बादल को बच्चों मेघ भी कहते हैं। आकाश को बच्चों कहते हैं आसमान। इनके दो नाम होते हैं, जैसे आपका भी रखा होगा घर में दो नाम, राजा बच्चों होता है नृप, तो इनको दूसरे नाम बताने हैं हमें इनके। जंगल बच्चों वन को कहते हैं, मिलान करने है आपको। वस्त्र बच्चों होते हैं कपड़ा। अश्व बच्चों घोड़े को कहते हैं, और मछली होती है मीम। अब चलेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ऊपर सारे हमारे मैच हो चुके हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। बच्चों मानव को मनुष्य कहा जाता है, युद्ध को बच्चों संग्राम, समर आप लड़ाई भी कह सकते हो। ईश्वर भगवान को कहते हैं, देवता को कहते हैं, तो ईश्वर का दूसरा नाम बताना है। बल, बल बच्चों जोर होता है, ताकत भी कह सकते हो, बल लगाना, ताकत लगाना। और शत्रु बच्चों दुश्मन होता है, संसार दुनिया या जग, जगत। साफ बच्चों शुद्ध होता है, हर्ष कहते हैं खुशी को, ये इनके दूसरे नाम है। अब बच्चों तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखने। फूल का समानार्थक बच्चों होता है सुमन, तो आपको सामने क्या लिखना है, सुमन। दोस्त किसको कहते हैं, मित्र को कहते हैं, तो आपको यहाँ मित्र लिखना है, इसका दूसरा नाम आपको लिखना है। बागीचा बच्चों उद्यान को कहा जाता है। पत्ता होता है बच्चों पत्ती, कपी तो बंदर होता है, मेघ होता है बादल। अब क्या बचा, पत्ती, तो पत्ती आपको यहाँ लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द समूह से अलग है, पहचान कर गोला लगाइए। तो बच्चों देखो, पुत्र बेटा सुत, ये सब है बेटे के या पुत्र के पर्यायवाची, लेकिन सखा होता है मित्र, तो अलग हमें ढूंढना है। ठीक है, अब ये तो तीन एक जैसे हो गए, ये जो सखा है वो अलग है, तो अलग आपको गोला लगा के बताना है। अब बच्चों सेकंड है, सूरज, सूर्य, रवि, ये बच्चों सूरज के ही पर्यायवाची हैं। समानार्थी शब्द है अलग कौन सा है, चांद। अब है गुस्सा, नाराज, क्रोध, ये तो भाई 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 है, और जो खुश है वो अलग आएगा। ठीक है, अब चौथा है फूल, पुष्प, सुमन, ये तीनों बच्चों भाई भाई हैं, फूल, पुष्प, सुमन, वृक्ष इनका, इनके पिताजी हैं। ठीक है, अब अलग कौन हो गए, पिताजी वृक्ष हो गया, क्योंकि ये तीनों वृक्ष के ही पार्ट है, जो वृक्ष से ही यानी पौधे पर ही फूल, पुष्प, सुमन उगते हैं। अब बच्चों चौथा है संसार, दुनिया, जग, ये तो तीनों हो गए एक, स्वर्ग इससे अलग हो गया, तो यहाँ पर आपको अलग वाला छाड़ना था। सेवंथ वर्कशीट बच्चों हमारी आज कंप्लीट हो गई है। पीछे की वर्कशीट की भी बच्चों वीडियो बनी हुई है, और मैथ और इंग्लिश के लिए बच्चों आप को यहाँ पर ही वीडियो मिल जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आएगा आपको फटाफट मिल जाएगा। थैंक यू।